So we started with separating funnel method. Separating funnel method का सबसे पहले principle क्या है? That this is based on the principle of separating the things that are actually immiscible with each other. Okay, so we can separate those things that are immiscible with each other. So this technique is employed for separation of two immiscible liquids. Now, what is the meaning of two immiscible liquids? Right, which don't mix with each other. Right, so liquids that don't mix with each other, they form layers. Very good. तो वो क्या बनाते हैं? वो layers बनाते हैं and depending on their layers, we can separate them. तो एक heterogeneous सा mixture बन जाता है. Okay, so this separation technique we can use for those that are actually forming a type of heterogeneous mixtures where we are having a proper layers of distinction between the two liquids. ठीक है, अब एक चीज और कि ये जो टेक्निक है ये आपने लिक्विड्स के लिए ही यूज करनी है. This technique is only used for the liquids. Two immiscible liquids के लिए हम use करेंगे, not for the solids. ठीक है, तो हमारे पास अगर दो immiscible liquids हैं जो एक दूसरे में mix नहीं हो रहे हैं और वो दो liquids जो हैं वो एक दूसरे के साथ separate separate layer formation कर रहे हैं, which we can easily see. उन layers को हम easily देख सकते हैं. On this principle we are going to separate them. Okay, and How they are forming the layer? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, उसमें से जो बॉटम वाली लेयर है वो कौन सा लिक्विड फॉर्म करेगा और जो अपर वाली लेयर है वो कौन सा लिक्विड फॉर्म करेगा? So that will actually depend on their densities. ये किस पे डिपेंड करेगा? ये उनकी डेंसिटीज पे डिपेंड करेगा. तो जब भी आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स देखते हो आप क्या कहते हो कि जैसे मैं सैंड और वाटर का मिक्सचर ले रही हूं तो सैंड बीइंग हैवियर वो नीचे सेटल डाउन कर जाती है एंड वाटर बीइंग लाइटर वो ऊपर आ जाता है. हाँ जी, सो इन द सेम वे हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? डेंसिटीज की ही बात करेंगे. दैट डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज वी विल बी सेपरेटिंग दैम. जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे वाली लेयर फॉर्म करेगा, जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर वाली लेयर फॉर्म करेगा. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका ऑपरेटस कैसा होता है. एक्चुअली सो द फनल इज हैविंग एक्चुअली दिस शेप, कुछ ऐसी शेप होती है फनल की. लाइक दिस. ठीक है, यहां पर हम लगाते हैं कॉर्ड इसको बंद करने के लिए. राइट, दिस इज एक्चुअली अटैच्ड टू अ स्टैंड. इसको हमने एक स्टैंड के साथ क्या किया हुआ है? अटैच किया हुआ है. ओके, राइट, इसके नीचे हमारे पास होती है नोब. वी आर हैविंग अ नोब हियर इन ऑर्डर टू ओपन एंड क्लोज दिस. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक नोब होती है जिसको हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द ऑपरेटस इट लुक्स लाइक. ओके, तो ये आपकी सेपरेटिंग फनल है. दिस इज द सेपरेटिंग फनल जिसको हमने यूज करना है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन प्रोसेस. ओके, so this is the separating funnel. Now what I have to do is I have to take the mixture of two liquids. जैसे मैं oil and water का ही mixture ले लेती हूँ. Okay, I'll be taking the mixture of oil and water in a beaker. अब आपको पता है कि जो oil है वो तो पानी के ऊपर ऊपर एक अलग layer जो है वो form करता है. Okay, so when you are going to mix them and when you are going to pour them here, जब आप इसको यहाँ पर pour करोगे इसमें, so what you will see that the water it will be forming a bottom layer kyunki pani zyada heavy hai. theek hai, to jo water hai wo kaun si layer form karega? bottom layer form karega.
ठीक है, और इसके ऊपर ऊपर कहीं पर वी विल बी सीइंग द ऑयल लेयर, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर कहीं कहीं हमें क्या नजर आएगी, ऑयल लेयर नजर आएगी. ओके, सो दिस इज एक्चुअली वॉटर एंड दिस इज ऑयल. अब हमने करना क्या है, वी हैव टू टेक अ बीकर. सिंपल मेथड है, एक बीकर लेंगे, उसको हमने यहाँ पर नीचे प्लेस करवाना है. इस नॉब को हमने खोलना है, दिस नॉब इट कैन ओपन एंड क्लोज. ठीक है, जब आप इसको रोटेट करते हो, ओके, इट कैन ओपन एंड इट कैन क्लोज. तो मैंने इसको खोलना है, जब मैंने खोला तो सारा वाटर जो है वो नीचे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. नाउ यू कैन क्लियरली सी द बाउंड्री, आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा पानी जो है वो सारा एक तरफ हो गया है इकट्ठा. Right? At the same time, when the whole water is transferred into the beaker, you just have to close the knob now. आपने knob को क्या कर देना है? Close कर देना है. तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? Water. Right? In the beaker, the water is collected. और separating funnel में क्या रह जाएगा? Oil. ठीक है? So in this way, oil and water, they are separated. Okay? So this method, it actually governs the principle of densities in which the heavier particles they settle down and the lighter liquids they come at the top. Okay, plus it is only for those liquids that are actually immiscible with each other, that means they don't mix with each other. Theek hai, to ye iska principle aur procedure ho gaya. Now write down its application. सबसे पहले तो आपने मेन एप्लीकेशन देख ही ली है, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करना. ठीक है, तो अगर ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाते हैं तो वी कैन सेपरेट देम यूजिंग द सेपरेटिंग फनल मेथड. सेकेंडली यू कैन राइट डाउन सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन वाटर. सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी हमने सेपरेशन टेक्निक्स करनी है सबका आपको प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन, ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए हर एक की. एप्लीकेशन एटलीस्ट दो आपने लर्न करनी ही करनी है. ठीक है, फर्स्ट वन इज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, सेकेंड इज टू सेपरेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फ्रॉम वॉटर. तो जैसे आपका ऑयल है ना, वैसे ही कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे पास. ओके, तो वो भी पानी में मिक्स नहीं होते, सो दे ऑल्सो फॉर्म द टॉप लेयर. तो वो भी पानी के ऊपर जैसे एक लेयर सेपरेट लेयर है वैसे फॉर्म करते हैं. ओके, सो वी कैन ऑल्सो सेपरेट दैम यूजिंग दिस मेथड. थर्ड वन यू कैन राइट डाउन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, दिस मेथड इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. Where lighter slag particles, निकलो मैं बताती हूँ, where lighter slag is removed, where the lighter slag, SLAG is removed, iron molten state में लेते हैं. जब metallurgy करते हैं ना हम, metallurgy पता आपको क्या होती है? हाँ, सेपरेशन करनी होती है हमने मेटल्स की उनके ओर्स में से. तो हम क्या करते हैं जब सेपरेशन करते हैं, तो समटाइम्स द मेटल इज बीइंग मेल्टेड. ठीक है, कई बार ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको रिमूव करने के लिए हमें उस मेटल को मेल्ट करवाना पड़ता है. तो यहाँ पर हम वही केस ले रहे हैं कि आयरन को हम मेल्ट करवा लेते हैं. ठीक है, तो वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और जो लाइटर स्लैग है, जो इम्प्योरिटीज आती है ना, वो कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में होती हैं. तो जब हम इसको सेपरेटिंग फनल में डालते हैं तो जो लैग लाइटर स्लैग है वो ऊपर आ जाएगी और जो आयरन है मोल्टन आयरन बीइंग हैवियर वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो फिर ऐसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. ओके, ठीक है जी. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वेयर लाइटर स्लैग इज रिमूव. ओके, so this is how this method is used, the separating funnel method. Ho gaya clear? Okay, any doubt till now in any of the separation techniques?
क्लियर हो गई है सारी? तो अभी तक हमने सब्लिमेशन पढ़ा है, इवेपोरेशन पढ़ा है और सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेटिंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड. कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, हाउ टू गेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. हाउ टू गेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. अच्छा एक चीज और, जस्ट अ मिनट. इफ आई गेव यू थ्री सैंपल्स, लिख लो, एक मरकरी है, एक बेंजीन है और एक वाटर है. इफ आई गेव यू थ्री सैंपल्स, ठीक है, मैंने तीन सैंपल्स का आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है, मरकरी, बेंजीन एंड वाटर. तो आपने मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सी लेयर फॉर्म करेगा. सबसे नीचे वाली लेयर किसकी होगी, सबसे ऊपर या सेंटर वाली लेयर, और सबसे ऊपर वाली लेयर किसकी, ठीक है. जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसको मैं वन नंबर दूंगी, देन टू एंड थ्री, थ्री फॉर द टॉप लेयर, ठीक है. चलिए बताओ, नंबर वन मरकरी, वाटर एंड बेंजीन, द थ्री सब्सटेंसेस आर मरकरी, वाटर एंड बेंजीन, जिसमें से बेंजीन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया ना, टू सेपरेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रॉम वाटर. सो द थ्री लिक्विड्स आर मरकरी, बेंजीन एंड वाटर. यू हैव टू टेल मी विच विल फॉर्म द टॉप लेयर एंड विच विल फॉर्म द बॉटम लेयर. बॉटम लेयर विल बी ऑफ वाटर. अच्छा टॉप लेयर आपने एक ठीक बोला है, एक गलत बोला. अच्छा मुझे ये बताओ इनमें से सबसे लाइटर कौन सा, ये बताओ. चलो मरकरी सबसे लाइटर है, देख लो. थिंक फॉर अ मिनट, सबसे हैवियर और सबसे लाइटर एक बारी देख लो कौन सा. ओके ही सेइंग हैवियर इज मरकरी और लाइटर, लाइटर इज बेंजीन. एनी अदर ओपिनियन, सभी इसको एग्री करते हैं? अच्छा लाइटर वाटर है. और कोई हैवियर? सबका सेम है, मरकरी हैवी है. चलिए मरकरी इज दी हैवियर वन, ठीक है, हैवियर है, हैवियर लिक्विड है ये. ओके सो दैट विल बी फॉर्मिंग द फर्स्ट लेयर, दैट मीन्स बॉटम, ठीक है. सेपरेटिंग फनल की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ओके, सेपरेटिंग फनल की जो सबसे नीचे वाली लेयर है दैट विल बी फॉर्मिंग बाय द मरकरी. उसके बाद सेकेंड में आता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं दे आर टू लाइटर देन वॉटर, वो पानी से भी लाइट होते हैं, ठीक है, राइट. तो दिस विल बी फॉर्मिंग द टॉप. तो अगर मैं इसको सेपरेटिंग फनल, बेंजीन, हाँ एंथ्रासीन बेंजीन लिखा था ना हमने, एंथ्रासीन बेंजीन, ठीक है, टॉल्यूइन भी होता है, तो ये सब लाइम कर जाते हैं. क्लोरोफॉर्म होता है आपका, दैट इज यूज्ड इन नेल पेंट्स, नेल पेंट रिमूवर्स में यूज होता है ना, तो वो भी सब लाइम कर जाता है. सो इफ आई विल बी शोइंग देम, तो ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है दैट विल बी ऑफ मरकरी, फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो वाटर की है, एंड द थर्ड लेयर विल बी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज एक्चुअली द बेंजीन लेयर. ओके, तो इन दिस वे दे विल बी अरेंज्ड. दिस इज लाइटर एंड दिस इज हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, अभी तो बोला मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हमने सेपरेट करना है, तो वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट करते हैं. जैसे ऑयल जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है, वैसे ही जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं. ज्यादा होने की बात ही नहीं है, डिपेंड करता है डेंसिटी का,
ठीक है, डेंसिटीज जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की वैसे ही कम होती हैं पानी से भी, दे आर लाइटर देन वाटर, ठीक है, सो इन दिस वे दे आर अरेंज्ड. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट टेक्निक, हाउ टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, हाउ टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल. ये मेथड आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, कौन सा मेथड है? क्या बोला आपने? फिल्ट्रेशन. दिस इज क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो हमने किसी चीज के अगर क्रिस्टल से सेपरेट करने हैं देन द मेथड एम्प्लॉयड क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो आपको किसी के भी क्रिस्टल्स यहाँ पे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉपर सल्फेट के ही दिए जाएं. ठीक है, एनी क्रिस्टल्स कैन बी आस्क्ड. क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, शुगर भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉल्ट भी क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ऑल ऑफ यू हैव सीन एलम, फटकरी घर में यूज होती है ना, राइट, दैट इज ऑल्सो इन द क्रिस्टल फॉर्म. ओके, तो शुगर के भी आप देखते हो बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी होते हैं, देखिए है ना. तो ये सारे कैसे आते हैं? दिस इज ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, जहां पर हम उस सब्सटेंस के क्या फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं, एंड देन वी सेपरेट द थिंग्स. ठीक है, वी सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल. सो राइट डाउन, इट इज अ प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड. It is a process which separates a pure solid in the form of crystals from its solution. तो एप्लीकेशंस में आप क्या क्या लिख सकते हो? अभी मैंने जो सारी बताई हैं, टू सेपरेट दी प्योर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर फ्रॉम एन इनप्योर सैंपल, टू सेपरेट दी प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम एन इनप्योर सैंपल, कॉपर सल्फेट की तो एग्जांपल दे ही दी है, उसके बाद एलम. ओके, तो हमने इन सबको, इन सब के जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट करवाने हैं फ्रॉम द इनप्योर सैंपल. सो दिस इज एक्चुअली इट्स एप्लीकेशन. क्लियर? You know that the sea salt, ठीक है, जो हमारा sea water it contained is all salt. तो हमने अगर उसमें से pure salts जो हैं in the form of crystal separate करवाने हैं, तो we can bring the crystallization of that sea water. ठीक है, तो sea water में से जो आपके पास salt आ रहा है, उसको आप crystallization method से क्या कर सकते हो? Pure crystals उस salt के obtain कर सकते हो. Okay, so this is how we are going to use this method. क्रिस्टलाइजेशन करते कैसे हैं बेटा? एनीवन रिमेंबर्स कैसे करते हैं क्रिस्टलाइजेशन? वेरी गुड. सो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले वी हैव टू टेक द कॉपर सल्फेट. ठीक है, जो आपको इम्प्योर सैंपल दिया हुआ है आपने उसको लेना है, एंड यू हैव टू डिसॉल्व इट इन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर. कम से कम क्वांटिटी ऑफ वाटर में उसको डिसॉल्व करना है, उसमें थोड़ा सा आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्यों डालते हैं? ठीक है, सो दैट द इम्प्योरिटीज दे डिसॉल्व. ठीक है, तो आपके पास एक बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन आना चाहिए. फिर हम उस क्लियर सॉल्यूशन को हीट करते हैं, राइट, टू अ सफिशियंट टेम्परेचर. हीट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इमिजिएटली फिल्टर करके एंड वी कूल इट डाउन. तो हम उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं. सो आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, 2-3 घंटे बाद, या आप थोड़े एक दिन बाद जब देखोगे, तो उसमें से जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और पीछे क्या रह जाता है?
थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड रह जाता है ना, दैट इज कॉल्ड मदर लीकर। क्रिस्टल्स के साथ साथ जो पानी साथ में रह जाता है दैट इज कॉल्ड मदर लीकर। ओके, तो आपका वो पानी जिसमें से क्रिस्टल्स एक तरफ हो जाते हैं और पीछे जो है वो एज अ सॉल्वेंट रह जाता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मदर लीकर। ओके, तो हम उसमें से क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेते हैं और जो ये मदर लीकर होता है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, वो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं, सॉलिड की फॉर्म में आ जाते हैं ना, क्रिस्टल्स जो है वो सॉलिड आ जाते हैं, तो सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है, लिक्विड पार्ट अलग शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो सॉलिड है उनको लेना है, देन यू हैव टू ड्राई देम, फिर आपने उसको ड्राई कर लेना है और जो पीछे लिक्विड पार्ट बच गया मदर लीकर रह गया उसको आपने डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ब्रिंग अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नाउ यू हैव टू टेल मी विच मेथड इज बेटर, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर। ओके, अच्छा ठीक है, यू आर राइट दैट क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज एक्चुअली अ वेरी बेटर मेथड एज कंपेयर टू द इवेपोरेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन, इसके दो रीजंस हैं। द फर्स्ट थिंग, आप सबने शुगर देखी हुई है, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, जब आप शुगर को हीट करते हो, जब आप शुगर को हीट करते हैं, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड इट चेंजेस इट्स कलर इनटू ब्राउन। ठीक है, ये हो जाता है इवेपोरेशन, जब मैंने उसमें से क्या लिया हुआ है पानी डाल के, जब मैं उसमें से क्या कर रही हूँ, इम्प्योरिटीज रिमूव करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही होता है ना, अगर मैं शुगर में वाटर ऐड करती हूँ और उसको हीट करना शुरू करते हैं हम, और हम चाहते हैं कि इसमें से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए, पानी इवेपोरेट तो होता नहीं है। ठीक है, पर जो हमारी शुगर है डैट ultimately it started changing its color to brown, that phenomena is actually called as charring। हम इस phenomena को क्या कहते हैं, charring। ठीक है, charring में क्या होता है, वो substance जो है that has actually changed its properties, it has changed its color, थोड़ा सा liquefied होना शुरू हो जाता है, चिपचिपा सा होना शुरू हो जाता है, right? तो that process is known as charring। So whenever you are going to do the evaporation method, जब आप चाहते हो कि जो मेरा पानी है वो evaporate हो जाए, but there are some substances जिनकी properties ही change हो जाती हैं due to evaporation, जैसे मैंने sugar की example बताई आपको। ठीक है, तो after evaporation जब मैं उसको sufficiently heat कर रही हूँ, अब मेरे पास दोबारा से sugar तो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, because that has actually changed now, उसकी अब प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं सिमिलरली जहां से मैंने शुरू किया था, इफ आई वांट दैट शुगर दैट आई एम नॉट एबल टू गेट नाउ। ठीक है, तो ड्यू टू इवेपोरेशन देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट एक्चुअली अंडरगो चेरिंग। ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कि इवेपोरेशन जो है दैट इज नॉट सूटेबल मेथड एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइजेशन। बट क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हम बहुत ज्यादा हीट नहीं करते हैं चीजों को, नहीं करते हैं ना, थोड़ा सा सफिशियंटली हीट करके हॉट वाटर उसको करके अच्छे से डिसॉल्व करके एंड क्विकली वी सेपरेट। बट यही अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं तो इवेपोरेशन में मुझे बहुत ज्यादा उसको हीट करना पड़ता है ताकि जो वाटर है वो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, सो बिकॉज इवेपोरेशन इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ दैट सब्सटेंस टू अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, ड्यू टू विच सम सब्सटेंसेस दे अंडरगो द फिनोमेना ऑफ चेयरिंग। ठीक है, इसीलिए हम इवेपोरेशन प्रेफर नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे दिया ने कहा दैट देयर आर सम सब्सटेंसेस जो पीछे रह जाती हैं इन द इवेपोरेशन। ओके, देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट एक्चुअली डोंट गेट इवेपोरेट व्हेन वाटर इवेपोरेट्स।
मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, एक वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल बताई थी ना, जब हमने इवेपोरेशन मेथड किया था, कि जो वाटर है दैट इज एक्चुअली आवर वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं दैट आर एक्चुअली नॉन वॉलेटाइल। जब पानी इवेपोरेट हो जाता है बट वो इम्प्योरिटीज इवेपोरेट नहीं होती, जितना मर्जी आप उसको हीट कर लो, ओके जितना मर्जी आप उन चीजों को हीट कर लो, उन इम्प्योरिटीज को हीट कर लो, दे आर एक्चुअली नॉन वॉलेटाइल इन नेचर दैट आर नॉट एक्चुअली गेटिंग इवेपोरेटेड विद द वॉटर। तो वो पीछे रह जाएंगी, पीछे रह जाएंगी, राइट। तो दे विल इंटरफेयर विद माई मेन कंपाउंड, ठीक है, जिसकी भी मैं इवेपोरेशन कर रही हूँ, तो वो वहीं पर है। तो डैट मीन्स जो अब मेरे पास चीज आई है वो तो प्योर नहीं है, उसमें स्टिल इम्प्योरिटीज तो हैं। देन हाउ वी कैन से दैट आई हैव बेसिकली सेपरेटेड द इम्प्योरिटीज? तो अगेन हियर द इवेपोरेशन मेथड इट फेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी इवेपोरेशन मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है व्हेन वी आर हैविंग नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज दैट एक्चुअली डोंट गेट इवेपोरेटेड, दे रिमेन अलॉन्ग विद द मिक्सचर एंड दे इंटरफेयर। क्लियर, क्लियर यहां तक? अब अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड की बात करूं, तो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि जो सॉलिड है दैट एक्चुअली सेपरेट्स आउट, और पीछे क्या रह जाता है, हमेशा जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो प्योर सब्सटेंस के बनते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी द प्योर सब्सटेंस दैट्स क्रिस्टल्स विल बी, ठीक है, हमेशा प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनते हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी उनके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, जितनी भी इम्प्योरिटीज साथ में होंगी उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। सो व्हेनेवर यू आर ब्रिंगिंग द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, the solid that actually separates out, it will separate out in its pure form. तो वो जो solid आपका separate होगा वो pure form में बाहर निकलेगा, ठीक है, और जितनी भी impurities हैं वो पीछे mother liquor में रह जाएंगे, जितनी भी impurities हैं वो पीछे किस में रह जाएंगी, mother liquor में रह जाएंगे, ठीक है। So this is how the crystallization method is actually better than the evaporation method. When we are going to separate the things, when we are having impurities that are non-volatile, जो नहीं उड़ रही हैं, तो भी जब आप crystallization करोगे तो वो अलग से साथ में निकल जाएंगे, ठीक है। And secondly, when the substance it undergoes charring, तो हम बहुत ज़्यादा high temperature पे उसको heat नहीं कर रहे हैं, तो ये एक plus point हो जाता है crystallization, okay?